ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hey everyone, this is Rohit with the OCM video lecture for class 11th Gujarat Board Commerce. For this lecture, we will be discussing a very important topic, which is starting off with advantages and types and limitations of partnership. So forms of business organization mein we have already seen and we already know the simple and the most common form of business, which is sole proprietorship. ठीक है एंड नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज पार्टनरशिप व्हिच इज बेसिकली नथिंग एल्स बट अ फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हिच इज रन वन बाय ऑल और ऑल बाय वन। सो पार्टनरशिप के एडवांटेजेस की बात करें सो फर्स्ट एडवांटेज दैट वी हैव इज इजी एंड लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। द हेडिंग इटसेल्फ एक्सप्लेन्स द होल पॉइंट। ठीक है सो बेसिकली पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बट एडवाइजेबल है। इसका मतलब होता है कि आप ना करवाओ तो भी चलेगा लेकिन रजिस्टर करवाना अच्छा रहता है। इट्स अ सेफ ऑप्शन, रिस्क कम हो जाता है। सो बट जस्ट बिकॉज इट्स नॉट कंपलसरी तो अगर आप नहीं करवाते हो तो एस्टैब्लिशमेंट ईजी होता है। कोई ज़्यादा आपको यू नो प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करना है एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये ईजी भी है और एक्सपेंसिव भी कम है। And so it is less expensive as well as easy process to establish partnership firm. Second advantage is efficient management. Sole proprietorship में क्या होता है, एक ही इंसान है, उसी के पास सब नॉलेज होना ज़रूरी है, जो बहुत रेयर होता है। कुछ ना कुछ तो होगा जो उसको नहीं आता हो। ठीक है सो वो इतना efficient नहीं होता है। लेकिन sole proprietorship में just because you have more than two people working together, so the chances of combined skills, intelligence, knowledge, experience of various partners gets into the organization. अलग अलग लोगों को अलग अलग knowledge है, अलग intelligence है, skills है, तो उसका फ़ायदा at the end business को होता है and business जो है वो directly और ज़्यादा efficient बन जाता है। थर्ड एडवांटेज इंक्रीज इन द गुडविल विच इज़ नथिंग एल्स बट क्रेडिट वर्थीनेस। इसका मतलब होता है बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होती है। हर एक पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप में एंड मतलब इन यूजुअल केस ऑब्वियसली वी हैव नॉट येट सीन द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो अभी के लिए नॉर्मली हर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब उनके पर्सनल एसेट सेल किए जाएंगे क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए। एंड सो बिकॉज ऑफ दिस द क्रेडिटर्स आर नॉट हैविंग एनी यू नो टेंशन रिगार्डिंग दैट पेमेंट। उनको पता है कि बिजनेस जो है पार्टनरशिप बिजनेस कुछ भी करके पैसे तो उनको दे ही देगा बिकॉज वो लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड है। तो उनके भले बिजनेस के एसेट्स कम पड़ रहे हो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल की जाएगी लेकिन उनका पेमेंट तो हो ही जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस बढ़ती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको लोन देने के लिए रेडी होंगे, आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम हट जाता है बेसिकली। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन अरेंज, यू कैन गेट मोर कैपिटल, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हो, विच इज़ द फोर्थ एडवांटेज। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और वो पैसे आपको बहुत सारे लोग देने के लिए रेडी होंगे जस्ट बिकॉज ऊपर वाला पॉइंट हमने देखा, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी है बिकॉज ऑफ योर अनलिमिटेड लायबिलिटी। फिफ्थ इज एडवांटेज ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। डिविजन ऑफ लेबर मतलब क्या, जब ज़्यादा लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वी कैन गिव वी कैन डिवाइड द वर्क एंड जिसको जो काम आता है उसको वो दिया जाएगा।
जिसकी जो एबिलिटीज़ है, जिसको जिस चीज़ में एक्सपीरियंस है, उसको वो काम दे के वो काम सबसे अच्छे से होगा। इसको बोला जाता है डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, मतलब लेबर को जो काम आता है, जिसको जो काम आता है, उसको वो काम दे दिया जाए। और ये पार्टनरशिप में हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं हो सकता, बिकॉज एक ही तो जन है। सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज। एंड सिक्स इज़ प्रॉपर डिसीजन। नाउ पार्टनरशिप में डिसीजन लेते टाइम ऑल द पार्टनर्स यू नो दे डिस्कस, दे डिबेट, हेल्थी डिबेट्स होती है, डिस्कशन होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप अच्छे डिसीजंस लो। जल्दबाजी में नहीं लिए जा रहे और कोई एक अकेला तो ले नहीं रहा है डिसीजन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में यही एक डिसएडवांटेज था कि हो सकता है फॉल्टी डिसीजन हो, गलत डिसीजन हो, बिकॉज एक ही जन ले रहा है, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं। पर पार्टनरशिप में ओपिनियंस मांगे जाते हैं, डिस्कशंस किए जाते हैं, एंड देयर बाई दे कम अप टू अ बेटर डिसीजन। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग डेफिनेटली इम्प्रूव्स इन पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप जो है ना, ये अग्रीमेंट है, एंड दैट इज़ एन वॉलेंट्री अग्रीमेंट। वॉलेंट्री मतलब सब अपनी मर्जी से करते हैं, कोई ज़बरदस्ती इसमें एंटर नहीं होता है। एंड सो जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे बिजनेस एनवायरमेंट में, हम अग्रीमेंट के साथ चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, एंड सो वी कैन कोप अप विद द बिजनेस एनवायरमेंट इन अ बेटर वे। हम बिजनेस का स्ट्रक्चर, बिजनेस का मैनेजमेंट, उसमें जो भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, ईजिली ला सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बस, विच इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट इन दिस केस। एंड सो इट मेक्स इट फ्लेक्सिबल, मतलब चेंजेस के साथ कोप अप करना ईजी हो जाता है। यू कैन चेंज द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट। एट इज प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। इसका मतलब क्या, माइनॉरिटी का मतलब तो हम सबको पता ही है, सो उतना तो मैं नहीं समझाऊंगा, बट माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, तो इसका सिंपल सा यही आंसर है कि भाई कोई भी पार्टनर हो, कितने भी पैसे लाया हो, कुछ भी किया हो, जब डिसॉल्यूशन की बात आती है पार्टनरशिप की, मतलब जब पार्टनरशिप ख़त्म करनी है या तो कोई डिसीजन लेना है, तो हर एक पार्टनर का अग्री करना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। एंड सो आई कैन से नॉट ओनली द माइनॉरिटी बट एवरीवन्स इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड। कोई एक अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, और सिर्फ कोई एक मना करता है तो भी वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। हर एक पार्टनर का अग्रीमेंट और उनका कंसेंट कंपल्सरी है। नाइन्थ इज डायरेक्ट रिलेशन विद कस्टमर। सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉइंट देखा था, यहाँ पे भी सेम है, बिकॉज पार्टनर्स, पार्टनरशिप में पार्टनर्स भी इतने ज़्यादा भी नहीं होते हैं, तो उनका कस्टमर्स के साथ और एम्प्लॉयज़ के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो बनाना चाहे तो ईजिली क्रिएट हो सकता है। लास्ट सेकेंड एडवांटेज इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देर आर मोर देन टू पार्टनर्स, दैट्स वेरी ऑब्वियस कि एटलीस्ट दो लोग तो होने ही चाहिए पार्टनरशिप में। एंड सो जो इकोनॉमिक पावर होता है वो हर एक पार्टनर में डिवाइडेड होता है, इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिवाइड करना, और यहाँ पे तो एक से ज़्यादा लोग हैं, दो से ज़्यादा, एंड सो द इकोनॉमिक पावर्स आर डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। एंड द लास्ट इज लेस बर्डन ऑफ इनकम टैक्स। जितना भी टैक्स पे करना है, अगर वो एक जन तो पे नहीं कर रहा है, मान लेते हैं पांच पार्टनर है, तो टोटल टैक्स जो है वो पांच लोगों में डिवाइड होगा और एक इंडिविजुअल पे टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा, बिकॉज ये शेयर किया जाता है अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स। ओके, सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑब्वियसली देयर इज नो पॉसिबल वे कि कोई ऐसा बिजनेस हो जहाँ पे कोई लिमिटेशन ना हो, सो ऑब्वियसली इवन पार्टनरशिप हैज सम लिमिटेशंस, आउट ऑफ विच द फर्स्ट वन इज लिमिटेड कैपिटल। टॉकिंग अबाउट लिमिटेड कैपिटल, जितनी बड़ी एक कंपनी होती है, अगर बिजनेस पार्टनरशिप का इतना बड़ा होना चाहता है तो उतना ज़्यादा कैपिटल अरेंज नहीं कर सकती है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। पार्टनर्स इतने सारे कैपिटल एक साथ लेके नहीं आ सकते, बिकॉज उनका भी फाइनेंशियल कंडीशन और कैपेसिटी टू रेज फंड एक लिमिट तक होता है, सो इट कैन नॉट जनरेट कैपिटल एट सच अ ह्यूज स्केल। और इसी की वजह से रिसर्च जैसी एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, वो पार्टनरशिप में नहीं हो सकती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब सिंपल है, हर एक पार्टनर
लायबिलिटी पे करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स उनको सेल करने पड़ सकते हैं। वेल पेइंग द डेट्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के एसेट सेल करने के बाद अगर और डेट्स पे करने बाकी है तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट सेल किए जाएंगे। देयर बाय देयर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड ऑल द पार्टनर्स। थर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। ऑब्वियसली दो से ज़्यादा एक साथ आके काम करेंगे लोग तो डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस भी तो है। हो सकता है चार लोग में से दो हाँ बोल रहे, दो ना बोल रहे, तो करें क्या? तो ऑब्वियसली इट्स नॉट दैट ईजी कि हर डिसीजन और हर चेंज के लिए सब लोग अग्री करें। डिसएग्रीमेंट होने के चांसेस है, विच इज़ ऑब्वियसली अ बिग प्रॉब्लम इन पार्टनरशिप, बिकॉज डिसीजंस डिले होंगे या तो ऑब्वियसली डिसोल्यूशन तक भी बात पहुँच सकती है। सो डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, विच इज़ अ प्रॉब्लम। फोर्थ इज डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेट्स। ऑब्वियसली मोर देन टू पीपल आर नोइंग द सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस, सो इसको मेंटेन करके रखना पॉसिबल बहुत ही मतलब रेयर केसेस है कि इट्स पॉसिबल। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट वी कैन से टू मेंटेन द सीक्रेसी। सो दैट्स अनदर लिमिटेशन। एंड देन वी हैव डिफिकल्टी इन शेयर ट्रांसफर। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को या दूसरे किसी इंसान को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, बिकॉज इसके लिए सारे पार्टनर का कंसेंट चाहिए। अगर सारे पार्टनर का कंसेंट है तो हो सकता है, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है। सो आपका एज अ पार्टनर बिजनेस में जो शेयर है वो आप किसी और को नहीं दे सकते हो, अनलेस एंड अनटिल हर एक पार्टनर इसके लिए कंसेंट मतलब अग्रीमेंट दे। डिले इन डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली, बिकॉज यू नीड टू कंसल्ट, सब लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, सब लोग डिस्कस करोगे, डिबेट्स होगी, एंड देन अग्रीमेंट अगर मिलता है तो डिसीजन लिया जाएगा। अगर एक इंसान भी मना करता है तो डिसीजन रुक जाएगा। सो देर इज़ अ डिले इन डिसीजन मेकिंग, बहुत देर लगती है डिसीजन लेने में। एंड लास्ट इज शॉर्ट लाइफ स्पैन। डेथ, इंसॉल्वेंसी, मेंटल बैलेंस का लॉस, ऐसे कोई भी तरीके के इंसिडेंट से द लाइफ ऑफ द बिजनेस माइट एंड। हो सकता है पार्टनरशिप बंद भी हो जाए, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो वी आर ऑल्सो डन विद द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। एंड द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो फॉर दिस वीडियो लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली द नेम्स, कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं और उनके नाम देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एंड वील ऑल्सो सी द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इन दिस वीडियो लेक्चर। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करें, पार्टनर्स कितने तरीके के हो सकते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है हर चीज़ में इन्वॉल्व है, बहुत एक्टिव है, हर चीज़ में डिसीजन ले रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, सो इट्स वेरी एक्टिव। स्लीपिंग उसका ऑपोजिट है, स्लीपिंग का दूसरा वर्ड होता है डॉर्मेंट, ठीक है। सो सेकेंड इज डॉर्मेंट, ज़्यादा काम नहीं करता है वो। देन वी हैव नॉमिनल पार्टनर ओनली फॉर द नेम सेक। देन वी हैव पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, मतलब प्रॉफिट हुआ तो शेयर लेगा, लेकिन लॉस हुआ तो कोई शेयर नहीं, उसका उसमें शेयर नहीं होगा। एंड पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट, इसका सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सनैलिटी, उसके नाम के लिए, उसके बिहेवियर के लिए रोल होता है, बाकी कुछ भी नहीं। एंड द लास्ट इज माइनर पार्टनर। ये मैं नाम से समझ में आ रहा है, इट्स यू नो रिगार्डिंग एज, ठीक है। और उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है। अगर कोई पार्टनर मर जाता है, उसका कोई चाइल्ड है, तो उसको पार्टनरशिप का नाम दे दी, पार्टनर का नाम दिया जा सकता है, लेकिन ना तो वो कोई डिसीजन लेगा, ना तो उसका कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, और ना तो वो लायबिलिटी पे करेगा। सो दैट्स माइनर पार्टनर। मोस्टली किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ये हो सकता है। वो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स थे, ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है। अब तीन क्लासिफिकेशन है, एक है टाइम लिमिट के बेसिस पे, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, और तीसरा है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। टॉकिंग अबाउट टाइम लिमिट, देर आर थ्री क्लासिफिकेशंस। इट्स पार्टनरशिप एट विल, मतलब पार्टनर्स जब चाहे बंद करेंगे, जब चाहे तब तक चलाएं, उसको बोले जाता है पार्टनरशिप एट विल, अपनी मर्जी से। सेकेंड इज टर्म पार्टनरशिप, मतलब इसका टाइम पहले से डिसाइडेड होता है भाई कि 2 साल, 5 साल, 6 साल, जैसे वो टाइम खत्म हुआ पार्टनरशिप बंद। और लास्ट है पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, कि भाई काम करने के लिए चालू होती है, काम खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन के लिए पार्टनरशिप बनी, कंस्ट्रक्शन हो गया, फिर पार्टनरशिप भी खत्म। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, या तो पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी या तो अनलिमिटेड होगी, तो दो सिंपल से डिविजन है इसमें।
सिमिलरली रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे या तो रजिस्टर्ड है पार्टनरशिप या तो अनरजिस्टर्ड है, मतलब या तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है या तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. ये इसीलिए बिकॉज एज आई सेड अर्लियर इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है. सो बट इट इज़ एडवाइजेबल, रिमेंबर दैट. एडवाइजेबल होने का मतलब है रजिस्ट्रेशन करवाए तो ये अच्छा रहता है, बिकॉज इट्स एज आई सेड इट्स सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. आई होप एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड इट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स. थैंक यू.